आओ मिलकर भारतवासियों पेड़ पौधे सुबह सुबह लगाएं, पर्यावरण स्वच्छ सुरक्षित करें और स्वच्छता अपने घर के आसपास बनाए रखें। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, जिससे कि शुद्ध जीवन, शुद्ध वातावरण और स्वास्थ्य जीवन की हमेशा कामनाएं आप सभी को मिले। हमारे देश की सेना अपने अन्य देशों के साथ अभ्यास करके एक शक्तिशाली तरीके सीख रही है युद्ध के, और ये तभी संभव होता है जब हमारी सरकार इस सब चीज़ों के लिए कठोर योजना बनाकर इसको लागू करती है। अभी हाल में ही जो तरंग शक्ति का अभ्यास हमारी भारतीय वायुसेना के साथ कई अन्य देशों की वायुसेना ने किया है, वो इसका एक उदाहरण है। हमारी भारतीय वायुसेना अन्य देश की वायुसेना के साथ नए नए तौर तरीके, नए नए तकनीकी, नए नए ऐसी बारीकियों को सीखती है और लोगों को सिखाती है आपसी तालमेल से, कि वो युद्ध में एक ऐसा कार्य करें जो वास्तव में एक कुशल और कौशल का कार्य हो। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना का ये लक्ष्य वास्तव में एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है, जो अन्य देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास के माध्यम से ये सीखती है। हम भारतीयों को गर्व है कि हमारी भारतीय सेना हर समय अपनी चीज़ों को इतना नए तरीके से अपनाने की कोशिश में लगी रहती है, जो वास्तव में एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारी भारतीय सेना, हर तरह की सेना, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, हर दम नई तकनीकों के माध्यम से, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने कार्य कुशलता को मजबूत बना रही है। हम सबको भारतीय वायुसेना के इस सशक्तिकरण के लिए हमें बहुत ही खुशी है। आइए हम अपनी भारतीय सेना को बार बार सैल्यूट करें और ये कहें कि हमारी भारतीय सेना देश की सेना की बात ही छोड़ दीजिए, एक विदेश की सेना की भी बात छोड़ दीजिए, एक विश्व की सेना के स्तर की बात करिए, तो हमें कहने में बहुत ही गर्व होता है कि एक विश्व स्तर की भारतीय सेना हमारी देश की सेना है, जो हम सबको एक नया पाठ सिखाती है कि देश की एक एक इंच की रक्षा करने के लिए हम सजग हैं, सतर्क हैं, और आइए हम सब लोग भी उसी तरह से देश की सेना के अनुशासन को मानकर अपने कार्यों में अनुशासन के साथ कार्य करके इस देश की सेवा में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। देश में जो स्किल है, कौशल, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ग्लोबल स्तर पर स्किल कौशल के बारे में चर्चा होती रहती है और होती है, इस पर बहुत सी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आप लोगों को मालूम होगा जैसे कि मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ये देखी जाती है कि दक्षता, स्किल कितनी है, और उसी स्तर पर लोगों को चयन किया जाता है। ऐसे ही ग्लोबल बैच मार्क के द्वारा स्किल के बारे में भी प्रतिस्पर्धा के द्वारा ये मार्क किया जाता है कि किस देश में क्या परसेंटेज है स्किल का, कौशल का। हमारी सरकार अब इसको और ज़्यादा ग्लोबल स्तर पर लाने के लिए, एक अच्छे स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है, और स्कूलों, कॉलेजों में भी इसको जोड़ने में लगी हुई है। आने वाले समय में हमारे स्कूल, कॉलेज जो है स्किल्ड, कौशल के बारे में कितने कौशल हैं, कितने स्किल्ड हैं, इसके बारे में भी एक ग्लोबल बेंचमार्क के द्वारा जो देशों में प्रतियोगिता होती हैं उसमें अच्छा स्थान पाने के लिए अवश्य सफल होंगे, और हमारी सरकार इस पर दिन रात कार्य कर रही है। हमारे देश के युवा जो हैं और जो उससे संबंधित विभाग हैं, वो सब लोग इस पर जो है बड़े ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमारे युवा को
कौशल और स्किल बनाने के लिए जो भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे कि जब भी अन्य देशों में स्किल कौशल के बारे में कोई प्रतिस्पर्धा हो, प्रतियोगिता हो, तो हमारा देश के नौजवान युवा पीढ़ी आगे आए और एक अच्छा बेंचमार्क के द्वारा उनको एक अच्छा स्तर का स्थान मिले, जिससे कि ये देश में एक अच्छी खबर हो कि हमारे युवा लोग भी अब अपने कार्य में कितने दक्ष हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने कौशल हैं। और इस कौशल को लेने के लिए ही आज हम सब लोग अपने अपने कार्य में दक्षता के साथ लगे हुए हैं। जब कार्य करने के साथ उसमें कौशल स्किलनेस आ जाती है तो वास्तव में कार्य में करने में और उसके परिणाम में बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं जो लोगों को संतुष्ट देते हैं और साथ ही साथ हमारी गुणवत्ता को, कार्य करने की गुणवत्ता को भी दर्शाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को इस कार्य में सहयोग देकर हमारे युवा पीढ़ियों को इसमें आगे लाने के लिए हरदम साथ देना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, पहल करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।